हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में श्री विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 सम नंबर 7 पार्ट नंबर 1। इफ y इज इक्वल टू मी sin इनवर्स m इनटू मी 1 बाय m स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स इनटू मी स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाय m x हो तो प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m 2 इनटू मी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो गाइस ये वाला प्रूव करने के लिए आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आप एक्स स्क्वायर को या फिर एक्स को क्या मान के चलेंगे। गाइस इसमें वैसे क्या पड़ा हुआ भाई, 1 प्लस एक्स पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। अगर आप एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे तो कुछ हद तक ये सॉल्व हो सकता है। तो लेट आपने पुट करा एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करा, है ना? हाँ सही है, टेंजेंट थीटा पुट करना पड़ेगा। प्लस का फॉर्मूला है तो टेंजेंट पर लगेगा या कोट पर लगेगा, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आप टेंजेंट को ही देंगे, ठीक है? दोनों से हो जाएगा सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। तो y इज इक्वल टू मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगी, ठीक है भाई। y इज इक्वल टू मैं साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय में स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स इनटू में 1 प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस ये भी आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में टेंजेंट थीटा, ठीक है। यस गाइस, y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सेकंड थीटा आ जाएगा, सेकंड थीटा आ जाएगा प्लस टेंजेंट इनवर्स इनटू में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सेकंड आ जाएगा सेकंड थीटा माइनस 1 बाय का टेंजेंट थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब गाइस y की वैल्यू साइन इनवर्स है इनटू का कोस थीटा आ जाएगा प्लस है टेंजेंट इनवर्स है को पे सेकंड आप कोस में बदलेंगे 1 बाय कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय कोस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बाय कोस है, तो कुल मिलाकर ये लिखा जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा बाय में साइन थीटा, 1 माइनस का कोस थीटा बाय में हो जाएगा साइन थीटा। अब गाइस इसको आप साइन में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे भाई, इसकी एंगल को आप पाई में से माइनस कर देंगे तो साइन में बदला जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं साइन है ओप है पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब गाइस ये वाला इसको काट देगा, ठीक है। वैसे मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में भी लिख सकता था क्योंकि इस पर फॉर्मूला अप्लाई होना है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से बदल सकता हूँ। तो साइन इनवर्स था ये, साइन इनवर्स से यहाँ पर था कोस थीटा, इतना लिखा हुआ था गाइस, ठीक है। यस भाई, अब y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स से अब इसको बदल सकते हैं आप साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस का थीटा में प्लस है टेंजेंट इनवर्स से इनटू में 1 माइनस कोस है होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और ये हो जाएगा 2 साइन हाफ एंगल इनटू का कोस हाफ एंगल, स्क्वायर से साइन कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर ये वाला ऐसे कट जाएगा, तो कुल मिलाकर y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू में पाई बाई टू माइनस का थीटा, पाई बाई टू माइनस का थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स है साइन बटा कोस है टेंजेंट थीटा होता है, साइन बटा कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है, मतलब थीटा बाय टू हो जाएगा, इनवर्स से टेंजेंट कट जाएगा, तो कुल मिलाकर वाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय टू माइनस थीटा प्लस के थीटा बाय टू। यस गाइस, उसको और सिंपलीफाई करना चाहेंगे तो वाई इज इक्वल टू में पाई बाय टू दोनों कॉमन रख लेंगे यहाँ पे, ये
थीटा बाई टू मतलब हाफ है, ये वन माइनस वन है, तो कुल मिलाकर गाइस एक बचेगा, वो बचेगा माइनस का थीटा बाई टू। ठीक है, अब गाइस y इज इक्वल टू में पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू जो निकाल के चले यहाँ टेंजेंट इनवर्स x वापसी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टेंजेंट ऑफ इनवर्स x बाई टू लिखा जाएगा। अब गाइस इसका डेरिवेटिव कर देंगे अब विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x करने पर y का डेरिवेटिव है आ जाएगा dy वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में पाई बाई टू का जीरो हो जाएगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो वन बाई टू इन टू में वन बाई में टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है वन बाई में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यस गाइस इस तरीके से आपने सॉल्व करना था, तो आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।